आपको पता है आपकी जो भुजाएं हैं उनका साइज जो है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है? अपनी भुजाओं का साइज इंक्रीज करने का एक ही तरीका है, अपनी पूरी बाजू के अलग अलग पार्ट का वर्कआउट करना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने कभी सोचा है कि पहलवान की भुजाओं के अंदर इतनी शक्ति क्यों होती है? अगर कोई बड़े तगड़े बाइसेप वाला पहलवान से पंजा लगाएगा, बेशक छोटी बाजू वाले पहलवान से भी अगर पंजा लगाएगा तो बहुत ज्यादा चांस है एक पहलवान उसको हरा देगा। रीजन क्या है? पहलवान का वर्कआउट। पहलवान जब अपनी भुजाओं से कुश्ती करते हैं तो उसकी एक चीज तो ये कि स्टैमिना बनता है, बाजुओं का मजबूती बनती है। दूसरी चीज ये उनकी बाजू के हर एक मसल्स पार्ट की एक्सरसाइज होती है और उनका वर्कआउट भुजाओं को ट्रेन करने के लिए जो भी होता है वो भी जबरदस्त होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको आपकी बाजू के हर एक पार्ट का अलग अलग वर्कआउट बताऊंगा जिससे आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी पूरी भुजाओं का साइज इंक्रीज हो जाएगा। सबसे पहले आती है आपकी आर्म्स। इसको कैसे ट्रेन करें? इसके लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आपको अपने हाथों से चलना होगा या फिर आपकी टांगे किसी के हाथ में होनी चाहिए और आपको ऐसे करके हाथों से चलना है। आपका पूरा प्रेशर नीचे की आर्म्स की ओर, जो आपकी नीचे की आर्म्स होती है उस पर आएगा और आपकी आर्म्स जो बाजू है वो मजबूत होगी। इस एक्सरसाइज के आप कम से कम 4 सेट लगाएं। अगली एक्सरसाइज में आपको करने हैं पुलअप। आपको धीरे धीरे पुलअप लगाने हैं। पुलअप आपकी पूरी आर्म्स को मजबूत बनाते हैं। पुलअप एक ऐसा वर्कआउट है जो कि सबसे पहली बात तो इतना आसान नहीं है। इसको लगाने के लिए आपकी बाजुओं में पावर होनी चाहिए और अगर आपसे पुलअप नहीं लगते तो भाई आपको हर रोज पुलअप लगाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर रोज आपको कोई भी वर्कआउट करते हो उससे पहले पुलअप लगाएं। कम से कम भुजाओं में इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि वो आपके शरीर को उठा सके। लेकिन अगर आप अच्छे खासे पुलअप लगा लेते हो तो आप हर रोज कम से कम 3 सेट लगाएं पुलअप के। इस एक्सरसाइज पर मैं ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पुलअप एक सबसे तगड़ा वर्कआउट है आर्म्स को मजबूत करने के लिए। आर्मी में सिलेक्शन होता है तो कम से कम 10 पुलअप मांगते हैं आर्मी में, तो इसलिए ये पुलअप आपको आने चाहिए लगाने। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। अब बात करेंगे आपके पूरी की पूरी ट्राइसेप मसल्स की। इसके लिए अब मैं आपको 4 एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि आपको तब करनी है जिस दिन आप ट्राइसेप का वर्कआउट करते हैं। बेंच डिप। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक बेंच या फिर एक कुर्सी की जरूरत होती है। उस पर अपने हाथों को रखकर इस एक्सरसाइज को किया जाता है। आपकी पूरी बॉडी का वेट सिर्फ ट्राइसेप पे पड़ेगा ये एक्सरसाइज करने से और आपके ट्राइसेप का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी एक्सरसाइज है साधारण दंड। ये दंड इस तरह से बने हैं जिसमें आपके पूरा प्रेशर सिर्फ ट्राइसेप पे आएगा, और भी मसल्स पर आएगा लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेशर ट्राइसेप पे आएगा। पहलवान भी इसको सबसे ज़्यादा लगाते हैं। इस दंड के आप कम से कम 3 सेट लगाइए, आपके ट्राइसेप को जो शेप है ना, शेप वो अच्छी बना देगा। राममूर्ति दंड। राममूर्ति दंड में भी आपको सबसे ज़्यादा ताकत आपकी ट्राइसेप की लगती है। इसको अगर मैं एग्जांपल के तौर पर लूँ तो आप कोई ऐसा बंदा देखे जो एक बार में कम से कम 100 राममूर्ति दंड लगा सकता हो, जिसकी इतनी क्षमता हो, और फिर आप उसके ट्राइसेप का साइज देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। डायमंड पुशअप। ये पुशअप सिर्फ ट्राइसेप को ग्रो करने के लिए ही बने हैं। इस पुशअप को इस तरह लगाया जाता है, इस पर भी आप 4 सेट लगाए। अब बात आती है बाइसेप मसल्स की। बाइसेप के लिए आपको ईंटों की जरूरत पड़ेगी या फिर डंबल की, और फिर आपको इनके साथ एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले आपको मैं बाइसेप को ग्रो और मजबूत करने के लिए कुछ पुलअप बताऊंगा, ऐसे पुलअप जो कि आपकी पूरी बाजू को मजबूत बना देंगे। देखो आप पुलअप ऐसे लगाते होंगे राइट, इससे आपकी बैक पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। आपको ऐसे नहीं लगाने पुलअप। जिस दिन आप बाइसेप को ट्रेन करते हो आपको अपने हाथों को ऐसे पकड़कर पुलअप लगाने हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। ये देखो पूरा प्रेशर आपके बाइसेप पर आएगा। उसके बाद आता है क्लोज ग्रिप पुलअप। इसमें आपको अपने हाथों को अंदर करके पुलअप लगाना है, ये भी आपकी पूरी बाजू को मजबूत करेंगे। उसके बाद आपको डंबल या फिर 2 ईंटें ले लेनी है, उसके साथ अपनी बाइसेप की एक्सरसाइज करनी है। इन सब एक्सरसाइज को आप 3-3, 4-4 सेट लगाएं। देखो आप कोई भी वर्कआउट करो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर चाहते हो कि आपकी भुजाएं मजबूत बने तो ये जितने भी वर्कआउट मैंने आपको बताए हैं इनको कभी मिस मत करना। ये सबसे बेस्ट वर्कआउट है भुजाओं को मजबूत करने के लिए। सभी वर्कआउट आप करें ही करें। भुजाओं को मजबूत करने के लिए जितने भी वर्कआउट मैंने आपको बताए, बाइसेप, ट्राइसेप, आर्म्स, ये सबसे परफेक्ट वर्कआउट है अपनी आर्म्स को ग्रो करने के लिए। और हाँ, कम से कम बीच में 30 से 40 सेकंड का गैप दें और कम से कम बोल रहा हूँ कम से कम 3 सेट लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 4 लगा सकते हो, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है। और वर्कआउट के बाद आपका जो पोस्ट वर्कआउट है वो सही होना चाहिए, ठीक है। उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए ताकि जब भी आपकी मसल्स टूटती है उसकी रिकवरी फास्ट हो सके और मसल्स की ग्रोथ जल्दी हो सके। लोग क्या करते हैं, वर्कआउट करने के बाद 1-1.5 घंटे बाद डाइट लेते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, जिससे रिजल्ट बिल्कुल कम हो जाते हैं, बिल्कुल डाउन चले जाते हैं रिजल्ट, ठीक है। इसलिए वर्कआउट के कम से कम 1 घंटे के अंदर अंदर डाइट ले, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डाइट ले। अगर आपको नहीं पता पोस्ट वर्कआउट में क्या खाना है, परफेक्ट चीज़ क्या है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।